कावड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हरिद्वार में तमाम कावड़िए अलग अलग जगह से गंगा जल लेने के लिए आने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कावड़ यात्रा मार्ग है, तमाम महिलाएं जो हैं इन लोगों को फल और ये जूस, पानी की बोतल ये सब दे रही हैं। जो भी रास्ते में यहाँ पर आ रहे हैं, आप देखिए कि तमाम जो है ये कावड़िए जो है इन सभी को जो है यहाँ पर फल और ये जूस और ये तमाम चीजें, जो ये पैदल मार्ग है कावड़ यात्रा का, इस पैदल मार्ग पर जो है तमाम ये महिलाएं यहाँ पर इकट्ठे होकर जो कावड़ियों की जो है सेवा कर रही हैं, पानी की बोतल हो चाहे जूस हो, ये जो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए। इनसे हम बात करेंगे, क्या नाम क्या है मैम आपका? विनीता गौरियाल। कब से करती आ रही हैं? ये पहली बार कर रही हैं या क्या, कब से? नहीं नहीं, ये हम हर साल कावड़ यात्रा हो रही है, हम लगातार ये सेवा करते आ रहे हैं, पर पिछले 2 साल से कोविड की वजह से यात्रा बंद थी, तो इस साल वापस से कोविड का प्रेशर कम हुआ है और हरिद्वार में फिर से कावड़िए आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए फिर से एक बहुत अच्छा मौका था सेवा करने का, क्योंकि जब कावड़िए क्रॉस करते हैं तो कावड़ ले जाना इतना आसान नहीं होता, तो एक प्रकार से हमारी शिव भक्ति का तरीका है कि हम इनकी सेवा करके थोड़ा सा पुण्य हम भी कमाना चाहते हैं। आप क्या कहना? मेरा नाम इशिता अरोड़ा है, मैं भी नई उड़ान फाउंडेशन से हूँ। हम आज यहाँ पे कावड़ियों की सबकी सेवा करने के लिए आए हैं, 2 साल बाद हमें ये मौका मिला है सेवा करने का, तो हम अपनी पूरी श्रद्धा के साथ हम उनकी सेवा कर रहे हैं आज। आप कहाँ से? और आप? हम मोनिका अरोड़ा, मेरा नाम है। हम इनर व्हील से भी हैं और इन नई उड़ान फाउंडेशन भी हमारी है। हम दोनों मिलके, ये दोनों संस्थाएं मिलके ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जो कांवड़ पे जो लोग आ रहे हैं उनकी जो रास्ते पे प्यास लगती है, उनको कुछ खाने को चाहिए होता है, तो हम उनको अपना ये सामान दे करके उनकी थोड़ी सी मदद करना चाहते हैं। उनकी इतनी श्रद्धा को देख के हमारा भी मन करता है कि हमें उनकी कुछ सेवा की जाए, इसलिए आज हम यहाँ पे अपनी फाउंडेशन की तरफ से खड़े होके यहाँ। आप हर साल करते हैं ये लोग? हाँ जी, हर साल। अब 2 साल बीच में गैप हो गया कि ये यात्रा नहीं चल रही थी, 2 साल से पहले हमने 2-3 साल रेगुलर ये काम किया है, इस साल हमें फिर मौका मिला है तो हम इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे, तो इसलिए हमने ये काम इस बार फिर ये अपना प्रोजेक्ट करा है कि हम इनकी सेवा कर सकें। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये तमाम जो महिलाएं हैं, जो कावड़ का जो रूट तैयार किया गया प्रशासन की तरफ से, ये अलग रूट है और इस रूट से होकर के ही कावड़िए जाते हैं, पैदल रास्ता तय करते हैं, और ये जहां आप उनके आसपास जो घरों के आसपास जो मंदिर हैं वहां जाकर के ये लोग जल चढ़ाएंगे। कैमरा पर्सन मनीष सुनियाल के साथ ध्रुव मिश्रा, एबीपी न्यूज, हरिद्वार।